नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल पर। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले इस वक्त की ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को सीधी लड़ाई में तगड़ा झटका दिया है। महाराष्ट्र के नगर पंचायत के इलेक्शन के नतीजे सामने आए हैं, इसकी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर यूपी के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अपने दिग्गज नेता यानी वरुण गांधी और मेनका गांधी को पार्टी से कहीं ना कहीं बाहर का रास्ता दिखा दिया है, पार्टी से अलग थलग कर है। दोस्तों, चुनावी प्रचार में नहीं उतारेंगे इन नेताओं को भारतीय जनता पार्टी के लोग, इसको लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इसके बारे में पूरी जानकारी विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर दोस्तों क्या भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है शिवपाल यादव, इसको लेकर यह बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बीजेपी नेताओं ने बड़े बड़े दावे किए हैं, आखिर क्या है हकीकत, इसकी जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे। इससे पहले अगर आप भी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के अंदर सत्ता परिवर्तन की जोरदार लहर बहते हुए देखते हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटे दबाकर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि उत्तर प्रदेश के अंदर किसकी बनने जा रही है सरकार और कौन प्रचंड बहुमत से बनाएगा इस बार एक तरफा अपनी सरकार। लिखकर आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। और इसी के साथ में दोस्तों, अखिलेश यादव की साइकिल कितनी रफ्तार से चल रही है, आप लोग की क्या कुछ राय है जरूर लिखकर बताइए। और यह जरूर बताइएगा कि अखिलेश यादव कहां से चुनाव लड़े जो उनको सबसे बड़ी जीत मिलनी चाहिए। आप लोग की जो कुछ भी राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, आपकी राय का हमें लगातार रहेगा इंतजार। चलते हैं दोस्तों सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव अब लगातार भाजपा से लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लिए मुख्य विषय बना हुआ है। बीजेपी के लोगों ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है और इस बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की तरफ से भी अपनी पूरी लिस्ट जारी कर दी है, कौन कौन प्रचार करने आएगा और कौन कौन राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी को पटकनी देने के लिए तमाम कोशिशें करेगा, चाहे ममता बनर्जी हो या फिर अखिलेश यादव के लिए प्रचार करने के लिए आने वाले आरजेडी के प्रमुख तेजस्वी यादव हो, सभी मिलकर अखिलेश यादव के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। और इसी कड़ी में ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सीधा मुकाबला था, जिसमें कांग्रेस पार्टी को बड़ी सफलता हाथ लगी है, भारतीय जनता पार्टी को जोरदार पटकनी दी गई है। दरअसल दोस्तों पूरा मामला कुछ इस प्रकार है, जहां पर नतीजे में कांग्रेस पार्टी ने बहुमत हासिल कर लिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने 33 सीटें जीती है और इसी के साथ में अर्धापुर के अंदर 17 में से 10 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल कर ली है। भारतीय जनता पार्टी को दो ऐसे क्षेत्र जो बीजेपी का दबदबा वाला क्षेत्र है, चाहे लातूर हो या फिर नांदेड़ हो, दोनों जगह कांग्रेस पार्टी ने सबक सिखाया है और प्रचंड जन समर्थन के साथ अपनी जीत हासिल की है। आपको बता दें कि जैसा आप देख सकते हैं कि अर्धापुर के नादेड़ से अशोक चव्हाण कांग्रेस पार्टी के चुनाव जीत कर आए और किशोर देशमुख चुनाव हार गए बीजेपी की तरफ से। जो आंकड़े आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इसी तरीके के आंकड़े लगभग सभी पंचायत में सभी खंड में आए हैं और कांग्रेस पार्टी को बड़ी जीत मिली है महाराष्ट्र के अंदर। दोस्तों ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है, इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी जानकारी की तरफ, जहां पर बीजेपी के नेताओं ने बड़ा दावा किया है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का दावा है कि शिवपाल यादव उनके साथ में आएंगे, शिवपाल यादव बीजेपी ज्वाइन करेंगे जैसे अपर्णा यादव ने ज्वाइन की है। हालांकि शिवपाल यादव ने इस पूरे मामले पर बयान देते हुए कह दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए समाजवादी पार्टी का साथ नहीं छोड़ेंगे, अखिलेश यादव इस बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बन के रहेंगे, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हमने काम शुरू कर दिया है और जब तक सफल नहीं होंगे तब तक हम लगातार उनके लिए काम करते रहेंगे, बीजेपी में जाने का दूर दूर तक कोई सवाल ही नहीं होता। लेकिन दोस्तों बीजेपी के लोग कन्फ्यूजन फैलाने के लिए इस तरह की बयानबाजी शुरू कर रहे हैं। हालांकि इस पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कह दिया कि ऐसे तो बीजेपी के लोग भी कई सारे हमारे संपर्क में हैं, भाजपा ही केवल कंफ्यूजन फैलाने के लिए इस तरीके के बयान दे रहे हैं। एक और जानकारी की माने दोस्तों, तो किसानों के साथ में खड़े होने पर माँ बेटे यानी वरुण गांधी और उनकी माँ मेनका गांधी को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने झटका दिया है। दरअसल दोस्तों बीजेपी के लोगों ने मेनका गांधी और वरुण गांधी को अपनी पार्टी से मुख्य नेता के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया है, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि जो बड़ी अपडेट है उसकी माने तो मेनका गांधी और वरुण गांधी को चुनाव प्रचार प्रसार के लिए बीजेपी ने पार्टी के स्टार प्रचारकों के लिस्ट में नहीं रखा है, ना ही अजय टेनी का लिस्ट में नाम है, जो अपने आप में ये संकेत देता है कि बीजेपी के लोग बैकफुट पर खेलना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर इन लोगों को लेकर जाएंगे तो कहीं ना कहीं किसानों के मुद्दे को लेकर जनता के बीच में एक बार फिर से उनकी यादें ताजा हो जाएगी। खासकर अजय मिश्रा टेनी को अगर प्रचार में लेकर आया जाता है तो किसान कदई किसी भी कीमत पर बीजेपी को वोट नहीं देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है और यही कहीं ना कहीं बीजेपी के लोगों के लिए डर बन चुका है दोस्तों। और एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर गोवा के चुनाव को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है, जहां पर शिवसेना और एनसीपी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली है। आपको बता दें कि गोवा के अंदर ये सवाल उठ रहा था कि क्या कांग्रेस पार्टी अपने साथ में महाविकास अघाड़ी गठबंधन के तहत एनसीपी पार्टी और शिवसेना को एक में साथ लाकर चुनाव लड़ेगी, लेकिन इस पर पूरी तरीके से अब
कांग्रेस पार्टी ने विराम लगा दिया है। कांग्रेस पार्टी की गोवा इकाई के साथ बातचीत करना बिल्कुल भी सफल होता हुआ नजर नहीं आया। महाविकास अघाड़ी केवल महाराष्ट्र में है, गोवा में कांग्रेस पार्टी अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी जो जानकारी सामने आ रही है, जिसके बाद शिवसेना के नेताओं ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि वो अपने दम पर अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे। और ऐसे में एक और अपडेट की माने तो कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता सचिन पायलट पहुंचे दोस्तों उत्तर प्रदेश, जहां पर जाकर उन्होंने कहा कि बीजेपी से समाज का हर तबका परेशान है, बीजेपी झूठ के नाम पर देश की राजनीति करने आई है, महंगाई और भ्रष्टाचार खत्म करने की बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन जब जनता की पीड़ा सुनने का समय आता है तो ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता के बीच में नहीं जाते और यहां तक कि जनता को लेकर उलझुल बयान देते रहते हैं। इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए सचिन पायलट ने ये बातें कही है। आप लोग की क्या कुछ राय है इस पर लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत वंदे मातरम दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आगे आने वाले दिनों के अंदर आप किस तरह की खबरें चाहते हैं ताकि सारी बड़ी जानकारी हम आप तक लगातार पहुंचाते रहे। आप लोग हमारे साथ लगातार जुड़े रहे इसलिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत वंदे मातरम दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए। एक बार फिर से